पसंद करेंगे आप कौन सी गालियां सुनना आप पसंद करेंगे बताइए थैंक फॉर मोटिवेटिंग जॉनी नो हिट मैं वही तो बोल रहा हूं ना चैट का जब लोगों को पता है कि चैट कैसी है तो उनको एटलीस्ट रिएक्ट करने से पहले या फिर कुछ बोलने से पहले उनको या तो पूरी चीजें देखनी चाहिए ठीक है थैंक यू सो मच आदित्य थैंक यू सो मच निखिल वेलकम टू छोटा मित्र फैमिली एंड मित्र फैमिली वेलकम <laughs> क्या बोला जोनाथन के बारे में <laughs> पता भी नहीं चलेगा ठीक है भाई तो संजय भाई का देखो ये कहना है और ये है हमारे संजय भाई तो कतई जहर आदमी लग रहे हैं वैसे हम्म <laughs> अच्छा तो है तो ये संजय भाई का प्यारा सा एक मैसेज था मेरे घर वाले देख रहे होंगे वो भी कहेंगे ये एक्चुअली में कर क्या रहा है <laughs> ठीक है मेरे घर वाले भी कहेंगे कि क्या कर रहा है मतलब क्या कर रहा है तो ये तो मैंने जो स्टोरी डाली थी उसके बाद है ये सारी चीजें स्टोरी डालने के बाद तो बहुत सारे आ, रिप्लाईज एंड बाकी सारी चीजें थी नहीं अपनी स्टोरी डालने से पहले अपनी घंटे नौ घंटे पहले वाले मैसेज थे ना आई गेस यहां से था हाँ और से गॉड लाइक -like का नाम लिया ना एक बार भी तो याद रखना पारस ऑफिशियल जैसा तेरे साथ फिर करेंगे ठीक है भाई मतलब उसको आधा छोड़ दिया था मेरे को ये भाई पूरा कर देंगे ऐसा आ, हमारे उदय त्रिपाठी भाई का कहना है और आ, अच्छा कह रहे धमकियां दी जा रही हैं चैट सेक्शन में कि ऐसा ऐसा सीन होने वाला है हमारे साथ हमको बचकर रहना पड़ेगा हमको भी थोड़े गार्ड्स वगैरह की जरूरत पड़ने की तरह रहो जॉनी को पोक मत कर तेरे ढोल के करेंट लाइनअप के जीरो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी कुछ बोल ठीक है जरा आराम से करो अपना प्लीज कल की स्ट्रीम में जॉनी फुल सैड हो गया था नो है ठीक है अच्छी बात गोरखपुर से है घर पे आके मारेगा क्या ओके ओहो हाँ, आ, कितना चाटेगा तू बोल रहा था जोनाथन नहीं मार रहा है अबे कल के में बारह फ्रिश गोल के छत्तीस में से बारह उसके थे तू डेरे बस सोल और सोल के प्लेयर की हम्म फिर सोल वाले मेरे को आके बोलते हैं कि तू सोल का टट्टा ठीक है तो देख लो यार सोल वालों उधर से भी गालियां पड़ रही हैं फिर जो गॉड लाइक वाले टट्टे बोलते हैं वो भी उधर से भी गालियां पड़ रही हैं ठीक है ये चीज बड़ी खराब लगती है जब आपके रिलीजन को इसमें मिलाया जाता है मैं अपने स्ट्रीम पर कभी भी रिलीजन वगैरह की बातें नहीं करता कभी भी नहीं क्योंकि मुझे एक्चुअली में नहीं फर्क पड़ता मेरे घर वाले भी बड़े परेशान हैं कि इसको रिलीजन से फर्क क्यों ही नहीं पड़ता ठीक है मुझे सीरियसली नहीं पता चलता तो लव जिहादी हरे बबा हम्म ठीक है ल... हाँ तो ठीक हम्म जिंदगी प्राइवेट करते हैं ना सॉरी जब आप अपनी जिंदगी पब्लिक करते हैं तो पब्लिक ये सारी चीजें करने आती है और आपको वो सारी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है ठीक है तो मैं ये तो मान चुका हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी पब्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें होना तय है उसमें कुछ गलत बात नहीं। एक्चुअली में ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो भी चैट लिखते हैं जो भी स्पैम्स करते हैं मेरे को कतई नहीं फर्क पड़ता ठीक है देखो ठीक है तो है ये सारी चीजें भाई ये है सारी चीजें हाउ यू डील विथ सच मैसेज कुछ नहीं <laughs> हम देखो जीवन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है ठीक है जीवन में हमने बहुत सच में और इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है गेमर तुमसे ओपिनियन किसी ने मांगा कासस क्या करे कास्स क्या बोले क्या करे वहां पे बैठ के <laughs> तो अगर किसी को गालियां वगैरह सीखनी होगी ठीक है तो गालियां वगैरह अगर तुमको सीखनी होगी तो मेरे को बोल देना ठीक है मेरे को तुम लोग बोल देना अगर तुम लोग को गालियां वगैरह सीखनी होगी श्योर है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं पता नहीं ठीक है तो ऐसा ही नहीं बोल दिया तूने ठीक है भाई अच्छी बात हाँ मेजी एमकेसी सी जॉनसन को सॉरी बोल तो पढ़ना पड़ेगा यू पीस ऑफ अगली शेट Keep Godlike Player's name out of your mouth. Fuck you. And your analysis. Be aware of Goddle fans. It's a warning. You don't have a carrier yet. Carrier? Huh. Don't spoil something before it even starts. Tomorrow, say sorry to Jonathan.